वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है अवेयर कपल और इसके अंदर आपको मालूम होगा कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो आपके आसपास की चीजें हैं, आपके चाहे सेक्सुअल लाइफ हो या आपके डेली लाइफ हो, उससे आपको अवेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि घर पर पेनिस रिंग कैसे बनाई जा सकती है, आप घर पर कैसे जो पेनिस की रिंग है उसको बना सकते हैं। देखिए, ये है सिलिकॉन से बनी हुई पेनिस रिंग और मैं आज आपको बताऊंगा तरीका कि जो कॉन्डम आप यूज करते हैं उसका आप किस तरह से पेनिस रिंग बना सकते हैं घर पर। तो दोनों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बेटर है आपके लिए, ये वाली पेनिस रिंग जो कि सिलिकॉन से बनी हुई है, कि वो रिंग जो आप कॉन्डम से बना सकते हैं। आप में से काफी लोग तो ऐसे होंगे जो ये सोच करके कंफ्यूज हो गए होंगे, सुन करके कंफ्यूज हो गए होंगे कि पेनिस रिंग होती क्या है। पेनिस रिंग के बारे में जानने से पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जानना, थोड़ा सा जानना जरूरी है। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हस्बैंड और वाइफ के लिए है, ये एक मैरिड कपल के लिए है। क्योंकि देखिए क्या है, जब आपकी शादी होती है तो आपके जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप अगर हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं हर बात का, चाहे वो सेक्चुअल वाली कोई फीलिंग्स हो या बात हो या फिर कोई और उनकी इमोशनल बात हो, उस पर आपका ख्याल रखना होगा। या अगर आप वाइफ हैं तो सेम यही कंडीशन आपके लिए भी अप्लाई होती है। अब क्योंकि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम दोनों की बात कर रहे हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक महिला हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं और आपके पति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये बात शेयर कर सकती हैं, उन्हें इसका सॉल्यूशन बता सकती हैं। और अगर आप एक मेल हैं, आप एक मर्द हैं और आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये फिर आप इसको अमल में ला सकते हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। देखिए, किसी बीमारी की वजह से या बढ़ती उम्र की वजह से या स्ट्रेस की वजह से अगर पेनिस में ढीलापन आ जाता है तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि आप सेक्स करना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं, लेकिन पेनिस में पूरी तरह से इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। या फिर इरेक्शन आ जाता है लेकिन सेक्स के बीच में ही इरेक्शन चला जाता है, तो इसको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। यानी कि इरेक्शन आया तो लेकिन स्टेबल नहीं रहा, रुका नहीं इरेक्शन। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि जो पेनिस रिंग है वो कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पेनिस के अंदर जो इरेक्शन आता है, पेनिस के जो आकार में वृद्धि होती है, तनाव आता है पेनिस में, वो आता कैसे है। जब कोई पुरुष अराउज्ड होता है, कोई मेल अराउज्ड होता है, तो दोस्तों उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके ब्लड में, उसके रक्त में टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं ताकि वो पेनिस में ज्यादा से ज्यादा ब्लड को ले जा सके। इसका जो रिजल्ट है वो ये होता है, नतीजा वो ये होता है कि पेनिस के अंदर जो नसों के गुच्छे होते हैं जिनको कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है, उनमें ब्लड बढ़ने लगता है। देखिए, आमतौर पर जो पेनिस होता है वो सुगड़ापा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ब्लड बढ़ता है उसका साइज खुलता है, पेनिस के अंदर इरेक्शन आता है और साइज भी बढ़ता है। पेनिस जो है वो साइज में बढ़ जाता है और हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पेनिस में इरेक्शन आता है। तो इससे आप समझें कि पेनिस में इरेक्शन आने का जो कारण है वो ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी कि पेनिस में ब्लड का भरना ही इरेक्शन का मेन कारण होता है, मेन रीजन होता है। अब बात करते हैं कि पेनिस रिंग इसमें कैसे मदद कर सकती है। अगर किसी पुरुष के लिंग में रक्त पूरी तरह से नहीं भर रहा है और उसका लिंग ढीला रह जाता है, तो दोस्तों ये जो रिंग है ये पेनिस के ऊपर कुछ इस तरह से पहन ली जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरह से पहन ली जाती है पेनिस के ऊपर। ये मान लीजिए ये पेनिस है और तो रिंग को इस तरह से पहन लिया जाता है। अब ये क्या काम करती है, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको आगे की ओर बना के रखती है, ब्लड वापस नहीं जाता है, जिससे पेनिस के अंदर देर तक इरेक्शन बना रहता है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि यार ये तो ब्लड को होल्ड कर रही है, इससे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिंग होती है बेहद सॉफ्ट होती है, बहुत इसकी जो मटेरियल है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है और ये बेहद सॉफ्ट होती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ब्लड को आगे की ओर बना के रखती है, थोड़ा सा ग्रिप बना लेती है जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो आगे की तरफ बना रहता है। तो गाइज, अब आपने समझ लिया होगा कि पेनिस रिंग जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कैसे हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके पास पेनिस रिंग नहीं है और आप इमरजेंसी में रिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो घर पर आप पेनिस रिंग को कैसे बनाएं। उसके लिए आप बाजार से एक लेटेक्स कॉन्डम लेकर आएं, अच्छी कॉन्डम लेकर के आएं, अच्छी क्वालिटी का कॉन्डम लेकर के आएं और उसके पैकेट को आप खोलिए। जैसे कि पैकेट में दिखा रहा हूँ, इसको आप खोलिए पैकेट को। आपको कॉन्डम को पूरी तरह से खोलना नहीं है, सिर्फ बीच का जो हिस्सा है कॉन्डम का उसको आपको कट कर देना है और
फिर जो सर्किल वाला हिस्सा रह जाएगा आपके पास, जो कॉन्डम का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा आपके पास रहेगा, ये आप एज ए रिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको आप पील ऑफ कर लें, ये तरीका है। अब ये रहा कॉन्डम, ये है, अभी इसको खोले ना आप, इसको आप क्या करें, इतना पकड़ करके हिस्सा इसका ऐसे, और ये सीजर लें, सीजर से इसका जो ये हिस्सा है पूरा इसको आप काट दें। तो देखिए ये हिस्सा बन गया आपका रिंग। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस रिंग में और इस रिंग में क्या आपको फर्क दिख रहा होगा। देखिए यूं तो इमरजेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि सेफली और सिक्योर आप ये वाले रिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इसकी हार्डनेस की बात करें और इसकी हार्डनेस की बात करें तो इसकी हार्डनेस में और इस रिंग की हार्डनेस में काफी बड़ा अंतर है। ये सॉफ्ट है, ये आपके पेनिस के ऊपर ज्यादा ये कहेंगे कि दबाव नहीं डालेगी, ज्यादा उसमें आपको ग्रिप नहीं बनेगी, इसमें ग्रिप बनेगी लेकिन हल्की ग्रिप बनेगी, इससे आपके पेनिस के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अब कुछ लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि भाई आपने तो कॉन्डम को काट कर रिंग दिखा दी और एक और रिंग दिखा दी आपने, तो हम क्यों ना रबड़ का भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि रबड़ बैंड भी आती है, वो भी रिंग की जैसी तो होती है, एक छल्ला ही तो है, या फिर हम तागा बांध लें रिंग के ऊपर। देखिए ये ना करें, आप इस तरह के काम ना करें। एक आपका ऑर्गन है, शरीर का एक हिस्सा है, देखिए ये आपके शरीर का एक नाजुक अंग है, डेलिकेट ऑर्गन है, इसके साथ ज्यादा आप खिलवाड़ ना करें। जो रिंग मैं आपको ये दिखा रहा हूं ये पेनिस के ऊपर पहनने के लिए स्पेशली रिंग बनाई गई है, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे दिन रिंग को पहन करके घूमें, क्योंकि हमारे यूजर ने हमसे पूछा था हमारे एक वीडियो में, उन्होंने कहा था कि क्या मैं रिंग को पूरे दिन पहन के घूम सकता हूँ। नहीं दोस्तों, रिंग का इस्तेमाल आपको सिर्फ जब करना है, जब आप सेक्स कर रहे हो, संभोग कर रहे हो, उस समय आपको रिंग का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज फिर आपको ये रिंग नहीं पहननी है, क्योंकि इसका काम है इरेक्शन को रोकना। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आपके अंदर अवेयरनेस आई होगी, आप रिंग के बारे में अवेयर हो पाए होंगे और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में भी अवेयर हो पाए होंगे। तो गाइस जाते जाते क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात हुई है तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स ये है कि एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें, और दूसरा ये है कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, अपना एक्सरसाइज करें, वॉक करें या एक्सरसाइज करें तो बेहतर रहे, या फिर आप करें कि आप अपने खाने पीने में सुधार लें। इन तीनों पॉइंट्स को आप अपनी जिंदगी में जब शामिल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।